सर गुजरात में एक कूड़े बीनने वाले दलित परिवार के साथ में हिंसा हुई है और उसके पति की जो है पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। सर बीजेपी शासित राज्यों में लगातार इस तरह की घटनाएं। देखिए बात केवल बीजेपी शासित राज्य से संबंधित नहीं और जगहों पर होता है और जो दलितों के ऊपर अत्याचार इस देश के अंदर होता है उसकी जो जड़ है समाज में जाति व्यवस्था में और इस जाति व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। वहाँ की सरकार से हमने अनुरोध किया कि सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और राज्यों में भी बड़े जघन्य अपराध हुए हैं हो भी रहे हैं लेकिन इसका एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। जैसे कल नेशनल दस्तक और हमारी टीम मेरठ गई है वहाँ पे सर बहुत सारे युवाओं को बंदी बनाया गया पुलिस ने। मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और वहाँ पर काफ़ी आतंकित उनको किया गया था 2 अप्रैल के बाद लोग घर छोड़कर भी भागे हैं और पहला ऐसा आंदोलन है जो दलित का भारत को बंद कर दिया और पहला ऐसा आंदोलन है कि लोग पुलिस की गोली से कम मरे और जो दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं उनकी मिडवोट में ज़्यादा मरे जबकि जब दूसरे लोग अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं तब तो कोई अड़ंगा नहीं लगाता दलित अड़ंगा नहीं लगाते हैं तो उन्हें लगा कि दलितों में कैसे हिम्मत हो गई भारत बंद करने के लिए ये कैसे मान सम्मान के लिए इतनी ताकत के साथ उभर करके सड़कों पर आए। तो जो अगर मैं शासन से फिर बात करूंगा कि जो मेरठ में अत्याचार हो रहा है उसका रोका जाना चाहिए और मेरे संज्ञान में कोई विशेष अन्याय की बात आएगी लीगल बात आएगी तो लाया जाना चाहिए उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाए। वहाँ पे 12 साल के एक बच्चे को भी जो है वो हिरासत में लिया पुलिस जो गिरफ्तार किए हुए। मैं मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है अगर ज्ञान या अवगत कराया जाए तो अच्छी बात है फिर मैं सरकार के स्तर पर भी टेकअप करूँगा। सर सरकार जो दलित विरोधी और मजदूर विरोधी इस तरीके के काम कर रही है। देखिए ऐसा है कि दलित विरोधी इस समाज में एक मानसिकता है 70 साल हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल में भारत उस स्थिति में पहुंच जाएगा जब आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। 70 साल में भी परिवर्तन आया लेकिन जो उम्मीद थी जो आशा थी नहीं हो पाया है। तो ये कैसी व्यवस्था है इसमें दलितों को भी इकट्ठा करना चाहिए। दलित में आपस की जातियों में जातिवाद है वो कहाँ इकट्ठा हो पाए। तो मैं इनसे कहूँगा कि जाति का जहर तो इस समाज में हजारों वर्ष से आ रहा है और आगे चलता रहेगा। दलित की उपजातियों में जो जातिवाद है वह भी निकलना चाहिए और तभी जाकर के एक बड़ा ब्लॉक बनेगा ज़्यादा ताकतवर बनेंगे तो लड़ाई लड़ी जा सकती है।